एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के सिलेबस के बारे में, दैट इज़ फॉर 2021। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अभी तक फ़िलहाल मैं काफ़ी दिनों से बहुत से वीडियोज़ जो हैं अपलोड कर रही हूँ जिसमें मैंने ये चीज़ मैंशन कर रखी है कि गेट 2021 के सिलेबस को रिवाइज किया गया है। तो इकोलॉजी इवोल्यूशन एक अलग से सब्जेक्ट है, मतलब इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ गेट लाइफ साइंस। ठीक है, जैसे लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स जो होते हैं, मेनली अगर मैं बात करूँ तो गेट लाइफ साइंस के लिए एलिजिबल होते हैं, गेट बीटी दैट इज़ बायोटेक के लिए एलिजिबल होते हैं, एंड गेट ईवाई दैट इज़ इवोल्यूशन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो गेट LS की मैं ऑलरेडी सारी की सारी बातें कर चुकी हूँ, गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के बारे में बात करूँगी एज वेल एज अभी तक अगर गेट लाइफ साइंस का अगर वीडियो नहीं गया होगा तो कुछ टाइम बाद जो है वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ जिसके पेपर का वेटेज होगा दैट इज़ 100 मार्क्स। ठीक है, आप तीनों में से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इस बार तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करने का मौका दिया गया है। गेट एक्सेल भी सिलेक्ट करते हैं प्राइमरी तौर पे, तो सेकेंडरी तौर पे आप गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो ये 2021 के लिए मैं बात कर रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आपको कितना प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ओके। सो गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में सोलली गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन ही है। लाइफ साइंस की तरह लाइक बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सब चीज़ें एडेड नहीं है, डायरेक्टली इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन ही है। लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है। ठीक है, ऑल्दो लाइफ साइंस का भी सिलेबस कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है, वो भी लेंदी है, बट यस ये भी लेंदी है। ठीक है, और मेक श्योर जो हम CSR के लिए इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन पढ़ते हैं वो बहुत अलग है। आई मीन टू से उसका टैली अगर इससे करेंगे तो बहुत कम पोर्शन ही मैच कर पाएंगे, ज़्यादा पोर्शन यहाँ मैच नहीं होते बिकॉज यहाँ पे क्लासिकल पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि लगभग अगर आप CSR के लिए इकोलॉजी इवोल्यूशन टारगेट कर रहे हो फिर भी गेट के लिए आपको अलग से 40% न्यू पोर्शन को टारगेट करना पड़ेगा जो कि आपके सिलेबस में मेंशन हो रखा है। तो सिलेबस का एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं, स्पेसिफिकली वो बच्चे तो कर ही सकते हैं जो मेरे से रेगुलर तौर पे पिछले एक साल से इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये मेरा ही सब्जेक्ट है। मैं ही जो है अनअकैडमी प्लस पे ये सब्जेक्ट को डिटेल में डील करवाती हूँ। तो अगर आप मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको कितने सारे पोर्शन पढ़ चुके हैं आप और कितने नए और पढ़ने हैं। जैसे कि पहला ही सेक्शन है इकोलॉजी का, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जितना भी पोर्शन मेंशन है ये पूरा CSR से मैच हो गया। पॉपुलेशन इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो यस ये भी पूरा का पूरा CSR से मैच हो गया। इंट्रैक्शन की बात करें ये भी पूरा मैच हो गया। कम्युनिटी की बात करें तो ओके यस ये सारा का सारा पोर्शन भी CSR से मैच हो गया। इकोलॉजी इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये भी लगभग पूरा का पूरा मैच हो गया। तो इकोलॉजी का पोर्शन तो CSR से पूरा मैच हो गया जो कि हम पढ़ते हैं। यहाँ पे छोटा सा पोर्शन है, वहाँ पे हम थोड़ा सा ह्यूज पोर्शन पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था सेक्शन वन। ठीक है, दिस इज अ सेक्शन वन फॉर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन सब्जेक्ट। सेक्शन टू की बात करते हैं दैट इज इवोल्यूशन। इसमें थोड़ा बहुत नया पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी थोड़ा सा क्लासिकल बेसिस पे। हम जो CSR का पढ़ते हैं पोर्शन वो थोड़ा सा आप कह सकते हो जनरल लेवल पे होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डीपेस्ट बेसिस पे हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशनरी थॉट्स, फंडामेंटल्स के बारे में जिसमें टाइप ऑफ आपका दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन आ गया, डाइवर्सिटी के बारे में, ये पोर्शन आपका CSR नेट के लिए अलग से एक यूनिट है दैट इज़ टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी, इसको भी यहीं पे ऐड कर दिया गया है। लाइफ हिस्ट्री के बारे में इंट्रैक्शन हो गया, पॉपुलेशन एंड क्वान्टिटेटिव जेनेटिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिकुलर इवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी हो गया, यहाँ पे दैट इज़ मैक्रो इवोल्यूशन, ये सारा का सारा पोर्शन इंक्लूड हो जाता है इवोल्यूशनरी पोर्शन में दैट इज़ सेक्शन टू में। सेक्शन थ्री की बात करें तो यस ये एक नया है, ये हमने इकोलॉजी इवोल्यूशन में नहीं पढ़ा है, इसमें बहुत कुछ ऐड हो जाएगा। और ये पोर्शन क्या करता है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन को थोड़ा सा टफ कर देता है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अलग अलग टाइप से आते हैं एज वेल एज थ्योरी भी आती है, तो थोड़ा सा अलग बेसिस पे आती है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक इन इकोलॉजी, तो यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा डील करना पड़ता है। टॉपिक्स आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक यहाँ इंक्लूडेड है, ये पूरा पोर्शन न्यू है, ये आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आपने इकोलॉजी इवोल्यूशन टारगेट किया है तो। नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग, ये वाला पोर्शन जहाँ तक मेरा आइडिया है CSR नेट में भी है लेकिन टेक्निक्स पोर्शन में है ये। तो आपने अगर वहाँ से इसको लीव किया है लेकिन अगर आप इकोलॉजी इवोल्यूशन गेट का टारगेट कर रहे हो तो आपको फिर टारगेट करना पड़ेगा। तो ये जो सेक्शन थ्री है ये एंटायरली ही न्यू है आप लोगों के लिए, तो ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे आप ये नहीं सोच सकते हो कि हाँ क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे आएंगे ही आएंगे। और यही चीज़ जो है थोड़ा बहुत क्लासिकल बेसिस पे भी चली आती है, मतलब कोर जिसको बोलते हैं ना कोर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन उस एरिया से
पूछ लिया जाता है, और अगर हम चाहते हैं कि इसको कोई समझाए हमें, वो भी इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन बेसिस पे, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब नॉर्मल तरीके से हमें कोई नहीं मिल सकता ऐसा कि जो हमें ये पोर्शन समझा दे, क्योंकि इसमें इकोलॉजी को स्टैटिस्टिकल बेसिस पे कैसे टैली करना है और कैसे रिजल्ट निकालना है, उसका थोड़ा सा पोर्शन अलग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है बिहेवियर इकोलॉजी। ये पोर्शन एग्जैक्टली मतलब बहुत कुछ मैच करेगा आपके CSIR से, जैसे कि क्लासिकल इकोलॉजी हो गया, इसमें से भी काफ़ी पोर्शन मैंने इस बार प्लस में पढ़ाया है बच्चों को। सेंसरी इकोलॉजी ये आपको पढ़ना पड़ेगा, दिस इज़ न्यू, ठीक है। फॉरेजिंग इकोलॉजी में, ओके, फॉरेजिंग इकोलॉजी ये भी न्यू है, ऑल दो ये CSIR NET के सिलेबस में भी थोड़ा बहुत इंक्लूडेड है, तो आप वहाँ से भी टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन में, यस, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे नया नया पोर्शन भी, लाइक गुड जीन का पोर्शन है यहाँ पे, सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट का है, पैरेंटल केयर, ओके फाइन। तो इसमें से बहुत से पोर्शन हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, और कुछ पोर्शन नए हैं, नए वाले पोर्शन आपको टारगेट करने पड़ेंगे। सोशल लिविंग में कौन कौन सी चली आती हैं पोर्शन, ओके, सोशल लिविंग में भी काफ़ी पोर्शन हमने डील कर लिया है, लेकिन कुछ पोर्शन बाकी रह गया है, तो वो आपको डील करना पड़ेगा। यानी मैं सीरियस मतलब नॉर्मल बेसिस पे कहूँ तो मैं CSIR GATE का इकोलॉजी इवोल्यूशन टैली करके देखूँगी कितना पोर्शन आपको नया करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेक्शन 5 की, तो कितने सेक्शन हो गए, सेक्शन 4 तक हमने देख लिया था, दिस इज सेक्शन 4, अभी भी इकोलॉजी इवोल्यूशन का ही सिलेबस चला। सेक्शन 5 में अप्लाइड इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, ये वाला पोर्शन थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, और यहाँ से मार्क्स स्कोर करना थोड़ा टफ भी हो जाता है, क्योंकि ये वाले पोर्शन में इकोलॉजी इवोल्यूशन को कैसे मोल्ड करके दे देंगे नो आइडिया, और बहुत से रटने वाले पोर्शन यहाँ पे होते हैं, जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसमें आपको न्यू एंड ओल्ड दोनों ही कंसेप्ट देखने को मिल जाएंगे मिक्स तौर पे। डिजीज़ इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, ये थोड़ा सा नया पोर्शन होगा आपके लिए, ये हम CSIR में एग्जैक्ट इकोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं। प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, ये भी न्यू हो जाएगा आपके लिए। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, ये जो है CSIR से मैच करेगा, जिसमें कि आप पढ़ते हैं रिगार्डिंग दी डिफरेंट पॉल्यूशन एंड डिफरेंट एडवर्स कंडीशन इन द इकोसिस्टम। ओके, तो इस तरीके से टोटल सेक्शन जो हो गए, टोटल सेक्शन 5 हो गए, जिनमें से 1, 2, ओके, एंटायरली 2 सेक्शन ऐसे हैं जो कि हमने, जो कि CSIR NET के सिलेबस से टोटली मैच नहीं करता। यानी ओवरऑल लेवल पे अगर मैं जनरल बेसिस पे कहूँ तो इसका 50% गेट का 50% सिलेबस CSIR से मैच कर रहा है, एंड रेस्ट 50% CSIR के इकोलॉजी इवोल्यूशन से मैच नहीं कर रहा है। बाकी से जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे DNA फिंगरप्रिंटिंग, अब आपको पता है DNA फिंगरप्रिंटिंग CSIR में भी है, लेकिन इकोलॉजी इवोल्यूशन पोर्शन में नहीं है, वो आपको मिल जाएगी टेक्निक्स के पोर्शन में। तो अगर मैं बात करूँ सोलली इकोलॉजी इवोल्यूशन की, तो 50% सिलेबस ही मैच करता है इकोलॉजी इवोल्यूशन का गेट का फ्रॉम CSIR NET, लेकिन रेस्ट 50% जो है ये आपको न्यूली प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब चाहे XYZ यूनिट से कीजिए, अगर नया टॉपिक है तो गूगल से कीजिए, या फिर जैसे भी आपके पास अच्छी खासी बुक हो वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इन केस इफ़ यू आर टारगेटिंग इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो एक टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि सिर्फ लाइक यू नो एग्ज़ाम क्लियर करना है, और एक टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एग्ज़ाम क्लियर करके उस स्कोर कार्ड को यूज़ करना है कहीं पे PhD करने के लिए, या फिर कहीं पे प्रोजेक्ट करने के लिए। याद रखिएगा, इकोलॉजी इवोल्यूशन से अगर आप क्लियर करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उसका स्कोर कार्ड यूज़ करके आप एक जनरल लैब में एंटर कर जाए जहाँ पे इवोल्यूशन या इकोलॉजी से रिलेटेड काम नहीं होता है, तो वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट कर देगा आपके सिलेक्शन प्रोसीजर को। अगर आप एक जनरल लैब में काम करना चाहते हैं जहाँ DNA, प्लांट्स, इन सब चीज़ों पे काम चलता है, तो आपको आई थिंक GATE XL या GATE BT को सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको इकोलॉजिकल फील्ड में काम करना है जहाँ पे इन्वायरमेंटल रिलेटेड रिसर्च चलती है, तब वहाँ पे इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन काम आ सकता है, क्योंकि जनरल लैब में जहाँ पे नॉर्मल मतलब बेसिस पे रिसर्च चलता है, जहाँ पे इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ पे अगर आप ये स्कोर कार्ड दिखाते हो तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर टफ हो जाएगा, क्योंकि वो तो यही कहेंगे कि आपने तो किसी और डिपार्टमेंट में गेट क्लियर किया है, तो हम आपको अपने लैब में रखेंगे, तो इसका क्या प्रूफ है कि आपके पास कितना नॉलेज है। तो इस बात को ध्यान रखिए, इट्स नॉट बिकॉज कि यहाँ से मैच हो रहा है इसलिए कर लिया, नहीं। अगर आपका एम है उस स्कोर कार्ड को यूज़ कर लेना, इनकेस अगर आपने इनकेस अगर आपने गेट क्लियर कर लिया, तो डिपेंड करता है किस सब्जेक्ट में किया है, उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी मिलती है आपके इंटरव्यू के टाइम पे। तो ध्यान से सिलेक्शन कीजिए, BT के लिए जाना है, XL के लिए जाना है, या XL एज वेल एज इकोलॉजी इवोल्यूशन के लिए जाना है, किसके लिए आप ऑप्ट करना चाहते हो ये आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये एक एनालिसिस ने आपकी हेल्प की होगी। जो भी यहाँ टॉपिक है वो सारा का सारा मेंशन हो रखा है, ऑल दो इस पर्टिकुलर PPT को मैं
दैट इज़ ये टीचिंग पाठशाला का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें, टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मैं ऐड कर दूंगी, तो आप टीचिंग पाठशाला सर्च करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अक्सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है मैं उसको अपडेट देती रहती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरी वन एंड स्टे सेफ।